Hello friends, in this video lecture we are going to study about inverse Laplace transform and then we will do some question on it, okay? But before it, we have to understand following identity based on inverse Laplace transform, okay? Basically inverse Laplace transform hota kya hai? Basically hum Laplace ek function ft pe apply karte the aur humko ek naya function milta tha fs, okay? Ab hum inverse Laplace transform mein kya karenge? जो नया फंक्शन है उस पर लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमको वो फंक्शन मिल पाए जिसका लाप्लास एफएस होगा, ओके? इसके लिए बेसिकली हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे उन एफएस पे, ओके? सो पहली आइडेंटिटी है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस इज इक्वल टू 1, ओके? सो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ 1 यूनिटी 1 बाई एस होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस होगा 1, ओके? And we know Laplace of exponential of e to the power at is what? 1 upon s minus a. So Laplace inverse of 1 upon s minus a hoga exponential of at, okay? So we know Laplace of t to the power n minus 1 ki value kya hoti hai? Laplace of t to the power n minus 1 ki value hoti hai n minus 1 factorial upon s to the power n plus 1, but here n is n minus 1, okay? So it will be okay. So ये हो गया Laplace of t to the power n minus 1 की value, okay? अब हमने t to the power n minus 1 में n minus 1 factorial divide कर लिया. So हमें Laplace of 1 upon s to the power n की value determine हो गई, okay? Now Laplace inverse of 1 upon s minus a to the power n, okay? So, इसमें ही ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस एन है. अगर हम इसमें e टू दी पावर ए टी अप्लाई हो जाए, सो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर एक्सपोनेंशियल आता है e टू दी पावर ए टी का प्रोडक्ट में, सो s को हम चेंज कर देते हैं s माइनस a से. सो ये चेंज हो गया हमारा s टू दी पावर n से s माइनस a टू दी पावर n से. बस हमको क्या करना पड़ा, एक्सपोनेंशियल ऑफ at मल्टीप्लाई करना पड़ा. सो उसी तरह हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a टू द पावर n का फॉर्मूला हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ at t टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके? अब ये है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके? सो लाप्लास ऑफ sin at हम जानते हैं a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके? अब जो ऊपर न्यूमरेटर में a है उसको हमने डिवाइड कर दिया sin at से. So, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके? सो इसी तरह लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई साइन ए टी बाई ए, बिकॉज हमने ये वाला यहाँ पे जो ए था वो उसको बाहर निकाल के डिवाइड कर दिया साइन ए टी बाई ए से, ओके? सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया कॉस ए टी. इसका तो फॉर्मूला हमको पता ही है, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो, ओके? सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके? सो हमने लाप्लास ऑफ sin h at पढ़ा था जो कि होता है a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके? सो अब sin h at से जो न्यूमरेटर वाला a है उसको हमने डिवाइड कर दिया. सो sin h at अपॉन a का जो लाप्लास होगा वो होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया साइन एच ए टी अपॉन ए, बिकॉज जो ऊपर ए आना था उसको हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर से यहाँ पे डिनोमिनेटर बना दिया, ओके? एंड ये फॉर्मूला विच इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एच ए टी. So, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, सो इसमें ज्यादा तो समझने का है ही नहीं, क्योंकि लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ओके? एंड नाइन्थ फॉर्मूला इज व्हाट? इट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1, ओके? सो लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन का फैक्टोरियल, लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1, ओके? अब ये जो n फैक्टोरियल था ये हमने डिवाइड कर दिया, ओके? लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n का वैल्यू थी n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1. सो ये
एन फैक्टोरियल हम डिवाइड में ले आए, सो आएगा हमारा 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। जब एन फैक्टोरियल को हम न्यूमरेटर में ले आए इस साइड से, सो हमारा आएगा 1 अपॉन एस एन प्लस 1। ओके, सो 1 अपॉन एस एन प्लस 1 को एस प्लस बी में कन्वर्ट करने के लिए हम ई टू दी पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ताकि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से एस चेंज हो जाए एस प्लस बी में, एस चेंज हो जाए एस प्लस बी में। ओके, सो वी हैव मल्टीप्लाई ई टू दी पावर माइनस बी टी। इसी तरह लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 का फॉर्मूला हो गया ई टू दी पावर माइनस बी टी टी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ओके, नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं आपको कैसे बताऊंगा, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये अगर इसमें एस को हम एस प्लस बी से चेंज कर दें, इस फॉर्मूले को एस प्लस बी से चेंज कर दें, सो ये और ये सेम हो जाएगा। सो हम इस फॉर्मूले को एस प्लस बी से चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि बाई शिफ्टिंग थ्योरम एस रिप्लेस हो जाए एस प्लस बी से। सो वही हमने करा इसमें, इस फॉर्मूले में ई टू दी पावर माइनस बी टी हमने मल्टीप्लाई करा। ओके, नाउ अब ये फॉर्मूला है हमारा ये, हाँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 बाई ए। ओके, और अगर हम इसमें एस की जगह एस प्लस बी से रिप्लेस कर दें, सो ये इनर फॉर्मूला इसके, इसका इनर फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाएगा, बस हमको एस को एस प्लस बी से रिप्लेस करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी टी अटैच करेंगे, ताकि एस हमारा रिप्लेस हो जाए एस प्लस बी से बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो हमने इस फॉर्मूले में ई टू दी पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस बी टी साइन 80 डिवाइडेड बाई ए। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूले और यू कैन जनरेट इट बाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट डू वन क्वेश्चन ऑन इट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज वी हैव टू डिटरमाइन लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ओके, सो पहला ट्रायल तो हम ये करेंगे कि हम इसको टू फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए। ओके, टू प्रोडक्ट के फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस माइनस ए बहुत इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना पड़ेगा। सो इसका बी स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4ac आएगा 20, सो 16 माइनस 20 इज व्हाट, माइनस 4। ओके, सो इसके टू रियल फैक्टर नहीं बन सकते, सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस न्यू डिनोमिनेटर को हम टू फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ओके, ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर पाते इस टर्म को, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर आएगा एस एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ऊपर लिखेंगे एस प्लस 2 प्लस 6। ओके, सो नीचे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एस प्लस 2 और प्लस 6 को ब्रेक करेंगे। ओके, सो आएगा हमारा एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, अब हम जानते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर माइनस बी टी कॉस ए टी। ओके, सो अब इस फॉर्मूले को जब इससे मैच करेंगे, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 की
वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी इससे कंपेयर करके हम वैल्यू निकालते हैं, सो आएगी e टू दी पावर माइनस 2t प्लस cos a, क्या है a है 1, सो cos t. ओके, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो जब हम लाप्लास इनवर्स ऑफ प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 इस पे अप्लाई करेंगे तो 6 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, सो वो तो बाहर आ जाएगा, सो बचेगा 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब हम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन s प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं. लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा साइन a t अपॉन a, और s प्लस b की वजह से हम e टू दी पावर माइनस bt भी अप्लाई करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2t cos साइन t बाय t 1. ओके, विच इज साइन t ओनली, सो इसका आएगा हमारा, सो हम लिखते हैं e टू दी पावर माइनस 2t, ये तो इसका हुआ cos t प्लस 6 अपॉन 6 e टू दी पावर माइनस 2t साइन t. सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन ऑन इट. आवर सेकंड क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू डिटरमाइन लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इनटू s स्क्वायर प्लस 4. ओके, सो अब इसमें हम क्या करेंगे, टू फैक्टर देख रहे हैं, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन में इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जब भी हम s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4 के टू पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, सो s की टर्म नहीं आएगी, सो हम s को बाहर ले लेते हैं. ओके, अब इनको डिवाइड करते हैं टू फ्रैक्शन में. ओके, अब इनको टू फ्रैक्शन में हम ऑक्यूपाई करते हैं, सो इनके टू फ्रैक्शन बनेंगे s इनटू, इनका एक बनेगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. लेकिन ये इसके बाद ऊपर 3 की टर्म आएगी. ओके, लेकिन हमें यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में 3 की टर्म दिख नहीं रही, सो हम नीचे डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, जिससे ऊपर जो 3 की टर्म आएगी वो कैंसिल हो जाए. सो ये आ गया हमारा टू पार्शियल फ्रैक्शन में, ये डिवाइड हो गए. सो अब हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं, सो 1 बाय 3 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 बाय 3 है कॉमन, और s जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा सो आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. ओके, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का की वैल्यू होगी cos t, बिकॉज लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू होती है cos a t, सो इसकी वैल्यू आएगी cos t, बिकॉज a इज व्हाट, a इज 1 हियर, एंड इसकी वैल्यू आएगी cos 2t. व्हाई, बिकॉज a स्क्वायर क्या है 4, a स्क्वायर है 4, सो a हमारा आएगा 2, सो cos at व्हिच इज cos 2t, सो इसका लाप्लास इनवर्स हो गया 1 by 3 cos t माइनस cos 2t. ओके फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू ऑल.